This is an ABP Life podcast. साल 2023 का पहला चक्रवात पहला साइक्लोन आ रहा है और अपने साथ कई सारे सवाल भी ला रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही कि इसे बुलाएंगे क्या, मोचा या मोका? इस कंफ्यूजन को तो दूर करेंगे ही, साथ ही डिटेल में जानेंगे कि आखिर साइक्लोन कैसे बनते हैं और एक बार बनने के बाद ये ट्रैवल करते हुए चले कहाँ जाते हैं। क्या साइक्लोन का आना सिर्फ तबाही ही लाता है या कोई बेनिफिट्स भी देता है? साइक्लोन्स का नामकरण आखिर कौन करता है और ये मोका या मोचा, ये साइक्लोन का नाम आखिर किसने रखा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, भारत में साल के पहले चक्रवात का क्या असर होगा? इन सब के बारे में डिटेल में आज बात होगी FII में। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FII, जहाँ मेरे साथ में इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं AVM GP शर्मा, प्रेसिडेंट मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज एट स्काईमेट वेदर। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले तो सर चाहूंगी कि अगर आप ये कंफर्म कर सके, मोचा या मोका, कई लोग इसी में ही कंफ्यूज हैं कि आखिर ये है क्या। मोका एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो इस सीजन का पहला स्टॉर्म अभी बनने जा रहा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। वैसे तो सेल बेशक MOCHA है, पर इसको बोला जाना चाहिए मोका, MOHA जैसे होता है, मोका बोला जाना चाहिए इसको। यमन द्वारा जो कंट्री है उसके द्वारा दिया गया नाम है इसका, और प्रोनाउंस मोका होना चाहिए जी। साइक्लोन्स का नामकरण अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन रखता है सर? अलग अलग क्षेत्र है साइक्लोन के जी। दुनिया भर की बात करें तो हमारे लगभग 6 जो है, जिसको हम कहते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, वो 6 हैं, और 5 हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, टोटल 11। इन सब 11 सेंटर्स जो हैं, भारत उनमें से एक है, इंडिया में डिपार्टमेंट उसका टोटल कंट्रोल है, इंचार्ज है। 11 सेंटर है जिनकी जिम्मेवारी ये होती है कि अलग अलग क्षेत्रों में जब भी ये साइक्लोन, हरिकेन या जो भी नाम दें, टाइफून दें, उनको उनके बारे में जो उनका कंसर्न एरिया है उस एरिया के लिए उसके बारे में जानकारी देना, ये उनका काम रहता है। इंडियन ओशन के जो साइक्लोन है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी के हो या अरब सागर के हो, उसकी जिम्मेवारी भारत के ऊपर है। इंडिया में डिपार्टमेंट भारत का जो मौसम विज्ञान है वो उसका उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसका है ये लाइबिलिटी कि वो सब इनका नामकरण भी करना जो है। जहां तक आपने नामकरण के बारे में पूछा, 2004 में शुरू हुआ था ये प्रोसेस नामकरण करने का। पहले तो नाम नहीं होते थे साइक्लोन के इंडियन सीज में, और फायदा सिर्फ ये होता है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है नाम रखने से, और उसको हमने उसका जो बेसिकली, अगर दो स्टॉर्म अगर ऐसा भी होता है पास पास कहीं बनते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल आसान हो जाता है अगर उसका नाम रखते हैं हम तो। और दूसरा, इनका जो भी है उसका बाद में फ्यूचर के लिए भी उसको नाम दिया हो तो उससे पहचानना आसान रहता है कि इसका कौन सा स्टॉर्म था, कहाँ आया था, कैसे कितना डैमेज किया था, कैसे किया था, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो आपने ये पूछा, हालांकि पहले 2004 में जैसे मैंने कहा पहला स्टॉर्म जो था ओनिल, उसका नाम था ओनिल, वो तब आया था। पहले केवल 8 कंट्री होते थे जो कि स्टॉर्म को नाम देते थे, वो जनरली इस जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगे क्षेत्र हैं, जो कंट्रीज हैं वो होते थे, या नीचे मालदीव, श्रीलंका ये वाले होते थे, और पाकिस्तान समेत 8 कंट्री थे। लेकिन 2018 के बाद से ये स्कीम बदली है, अब उसमें 5 कंट्री और ऐड कर दिए गए हैं, टोटल 13 कंट्रीज का मेंबर कंट्रीज हैं इसके, जो इसका भारत इंचार्ज है, रीजनल स्पेशलाइज्ड वेस्ट सेंटर, इसका 13 कंट्री है, 5 और कंट्री ऐड, जैसे मैंने बोला, जैसे ईरान समेत, ईरान, यमन, सब यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, ये 5 कंट्री और ऐड करके 13 कंट्री है इस ग्रुप में। हर कंट्री जो है अपनी तरफ से उसने 13 नाम दिए हुए हैं, कहने का मतलब है 13 गुना 13 कंट्री और हर कंट्री के 13 नाम, तो इस तरह से लगभग 169 नाम जो है वो हम उसकी एक लिस्ट बनी हुई है। अब अल्फाबेटिकली ये कंट्री जो है उनके नाम है, उसके हिसाब से एक 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 करके वो स्टॉर्म का नाम दिया गया है जो उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अभी तक हम शायद दूसरे कॉलम तक ही पहुंचेंगे, और 13 कॉलम है अभी टोटल। तो अभी बहुत सारे नाम हैं किटी में, और एक एक करके उनको यूज किया जाएगा। तो जहां तक भारत के टॉम जो बंगाल की खाड़ी या
अरब सागर, इंडियन ओशन के आसपास जो है उनका भारत उसका ओवरऑल इंचार्ज है। 13 कंट्री है, मेंबर कंट्रीज वही इन नामों को सूची बनाते हैं और भारत द्वारा उनको अनाउंस किया जाता है जब भी कोई स्टॉर्म बनता है, इंटीमेट किया जाता है। जी, तो साइक्लोन्स सर आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कैसे बनते हैं, एक बार अगर ये शुरू हो गया है क्योंकि ये ट्रैवल करता रहता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, कैसे रुकते हैं, अगर इस प्रोसेस को आप बता सकें सर। साइक्लोन जनरली जो है समुद्र में बनते हैं, अलग अलग ओशन हैं और कई तो समुद्र में चलते चलते ही कई जगह वहां जाके आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद समुद्र में भी खत्म हो सकते हैं, पर जनरली वो तट के साथ टकराते हैं, जो भी निकटवर्ती जो समुद्री तट होता है उसमें टकरा के उसके बाद वो एकदम कमजोर पड़ जाएंगे और खत्म हो जाते हैं। तो मेन खत्म होने का कारण ये है कि जब भी वो किसी तट से जमीन से टकराते हैं, जमीन के ऊपर पहुंच जाने के बाद उसका एकदम कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ साइक्लोन जैसे मैंने बोला ऐसे भी हैं जो कि समुद्र के ऊपर चलते चलते भी अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तो उसके ऊपर ही वो कमजोर पड़ जाते हैं। जी जी, तो क्या साइक्लोन का आना सिर्फ तबाही ही लाता है सर या कोई बेनिफिट भी होते हैं कभी इनके? बेनिफिट्स तो बहुत कम, ज्यादा तो तबाही, क्योंकि साइक्लोन के साथ जो बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेन और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवा बहुत तेज होती है, बारिश बहुत तेज आती है और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तेज हवा के साथ अगर तेज बारिश आए तो वो ज्यादा परेशानी ही लाता है, वो कभी भी उससे कोई फायदा तो नहीं पहुंचता है। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम बारिश होगी या हल्की बारिश होगी, उसके साथ फ्लडिंग रेन्स होती हैं और जो भी आप कहें जल भराव फ्लडिंग रेन तो उसकी स्थिति ज्यादा बनती है, इसलिए मैं उसमें कोई फायदे का कोई ये पॉइंट नहीं देखता किसी भी जगह जब कोई साइक्लोन आता है। जी जी, क्या मोका बहुत शक्तिशाली चक्रवात होगा सर? डिपेंड करता है, देखिए अभी तो बना नहीं है स्ट्रॉन्ग, अभी तो आज मुश्किल से अभी लो प्रेशर एरिया जो शुरुआती स्टेज होती है साइक्लोन की, जहाँ से साइक्लोजेनिस शुरू होता है वो है, वो भी बहुत दूर है अभी, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में इक्वेटर के पास जो दक्षिण अंडमान की है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अभी लो प्रेशर एरिया है और जो कि हालांकि बनेगा बहुत जल्दी, रैपिड इंटेंसिफिकेशन जिसको बोलते हैं, जल्दी जोर पकड़ेगा, पर लेकिन फिर भी उसके लगते लगते अभी 2-3 दिन का समय लगेगा जब तक एक साइक्लोन बनेगा। अभी तक इसका ट्रैक और इंटेंसिटी क्या होगी उसके बारे में निश्चित राय नहीं है, क्योंकि अलग अलग मॉडल है, अलग अलग थोड़ा वो अपना ट्रैक दिखा रहे हैं, कंसेंसस जिसको बोलते हैं वो अभी नहीं बन पाया है। कुछ मॉडल उसको बर्मा की तरफ, म्यांमार जिसको भी कहते हैं उसकी तरफ भी ले जा रहे हैं, बांग्लादेश का भी पॉसिबिलिटी है और कुछ एक तो शुरू में जो अपना इंडियन कोस्ट लाइन जो है उड़ीसा की कहें या बंगाल की कहें, वेस्ट बंगाल की, उसकी तरफ भी इसको तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ 24-36 घंटे का समय और अगर मिलेगा तो इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हमारा अनुमान, मेरा अपना ये अनुमान है कि देखिए जो बर्मा का तट है उसमें स्टॉर्म बहुत कम जाते हैं, पिछला स्टॉर्म 2008 में वहां गया था, कहने का मतलब है लगभग 14-15 साल से वहां कोई स्टॉर्म नहीं गया है, तो मुझे इस बार भी लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी वहां जाने की कम रहेगी। पिछले 4 साल की बात करें तो सारे के सारे स्टॉर्म जो मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में बने थे वो भारतीय तट को उन्होंने पार किया, चाहे वो फनी की बात करें उड़ीसा को, अम्फन की बात करें वेस्ट बंगाल को, और उसके बाद फिर जो यास था वो एक बार फिर से डोमरा रिपोर्ट है उड़ीसा की उसको स्ट्राइक किया था, और उसके बाद पिछले साल एक हल्का सा स्टॉर्म बना था जो कि तट उसने पार नहीं किया था आंध्र प्रदेश का एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म, लेकिन वर्षा काफी हुई थी, डिप्रेशन बन के क्रॉस किया था। तो इन सभी को देखते हुए ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे स्टॉर्म तो बन जाएगा अगले 2 दिन के अंदर अंदर और ज्यादातर ये रिकवरिंग स्टॉर्म होना चाहिए, कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी में भीतरी भागों में आकर सेंट्रल पार्ट्स में आके उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ये रिकव करना शुरू होना चाहिए। रिकव का मतलब है कि डायरेक्ट हिट नहीं होनी चाहिए उड़ीसा या वेस्ट बंगाल को, पर ज्यादा मुझे चांसेस का ये लग रहा है कि ये शायद बांग्लादेश को डायरेक्ट हिट करेगा रिकव होने के बाद। बिल्कुल अगर क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए हमें लगभग 36 घंटे या 48 घंटे का समय और चाहिए। जी, कब तक जो आपने कहा है तो 24 घंटे आपने बता ही दिया क्लैरिटी, भारत में इसका कहां कहां असर देखने को मिल सकता है सर?
देखिए अगर म्यांमार की तरफ जाता है तो फिर तो कुछ भी ना मात्र भी असर नहीं होना चाहिए जी। पर अगर वो पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश को स्ट्राइक करता है जो कि पॉसिबिलिटी है इसके रिकव होने के बाद ही उस तरफ जाने की, रिकव जैसे मैंने बताया अगर ये अपना कोर्स बदल लेता है तो पहले बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्यवर्ती भागों तक पहुंचेगा, हो सकता है थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ बढ़ जाए जिसके कारण हमारे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उड़ीसा के, विशेषकर उत्तरी उड़ीसा के और पश्चिमी बंगाल के, उसमें जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। उस सूरत में हमारी पोर्ट्स जो है वहां पे उन पर प्रभाव पड़ेगा, जो समुद्री क्षेत्र होता है सी सरफेस जिसको बोलते हैं रफ सी हो जाता है, जिसमें कि जो हमारे फिशरमैन हैं या दूसरे भी जो भी वेसल्स हैं उनको सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर हमारे क्षेत्र कहें रिकव होने के बाद तटवर्ती क्षेत्र जो ओडिशा के और पश्चिमी बंगाल में, उन्हें हमें सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जी थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।